सर जालौन मेरे मैगजीन में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका हमारा कीमती समय दिया। सर हम आपसे एक प्लस सवाल करेंगे, हम आपसे चाहेंगे कि लोग आपको विधायक के तौर पे कम समाज सेवक के तौर पे ज़्यादा जानते हैं, शक क्यों सर? मैं एक कार्यक्रम चलाता हूँ लोगों को संस्कार पे, खान पान पे, स्वास्थ्य के लिए। वो कार्यक्रम मैं एक 1.5 घंटे स्कूलों में चलाता हूँ, टेस्ट बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसको जानकारी, स्वास्थ्य के लिए, संस्कार की बातें कुल मिला करके मैं राजनीति के हिसाब से कम हूँ। और लोगों को जानकारी, उनको आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं, राजनीति की बात कम ही करते हैं, और समाज सुधार की, गांव के लोग कैसे सुधरे, उस बात पर ज़्यादा जोर देते हैं। आप लोगों के हर दुख दर्द में हर वक्त साथ रहते हैं, आप जनता के बीच में कैसा महसूस करते हैं? मैं तो सही महसूस करता हूँ, साथ में तैयार होकर के ऑफिस में बैठता हूँ, फिर जो लोगों के काम काज यहाँ आते हैं उनका निवारण करता हूँ, फिर ब्याह शादी में मरना पड़ना जो भी समस्या लोगों की होती है मौके पर जाके समाधान करते हैं, कैंप लगाते हैं, बिजली बोर्ड का भी लगाते हैं, नर्मदा का भी लगाते हैं, PST का भी लगाते हैं, कुल मिला करके 7 बजे लगा करके शाम को 10 बजे तक केवल केवल मात्र मेरा काम लोगों की समस्याओं का निराकरण करना, उनसे मिलना, उनकी समस्याएं जाननी, उनके दुख सुख में भागीदार। सर सांचौर में आजकल आपका धरना या भूगर्तापुर बैठना चर्चा का विषय बना हुआ है, इस मुद्दे पर आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे। इसमें कुछ चर्चा है नहीं, मैं तो कांग्रेस सरकार थी उस वक्त भी समस्या को लेकर धरने पर बैठा था, और उसके बाद में जब भी हमारी समस्या आती है, जैसे नर्मदा की समस्याएं थी, एक बड़े टेंडर करके उन लोगों को, मतलब बड़े बड़े टेंडर दिए, पैसे हड़पने की कार्रवाई चल रही है, लोगों के द्वारा तो सही काम नहीं हो रहा है, उस बात को लेकर हमने धरना दिया था, यहाँ की समस्या को लेकर धरना दिया था, पानी की बातों के लिए धरना दिया था। हर वक्त जाजम और हमारी गाड़ी में रहती है और माइक मेरी गाड़ी के ऊपर लगे हुए, जहाँ भी कोई समस्या लोगों की आती है उसी वक्त हम उस पर कार्रवाई करते हैं और लोगों को समाधान करने का प्रयास करते हैं। सर राहुल गांधी जी के हाल ही सांचौर के दौरे को विपक्ष ने काफी उछाल मारा था कि जितना खर्च दौरे पर किया उतना अगर बाढ़ प्रभावितों को मिलता तो मतलब उनको थोड़ी राहत मिलती, इस पर आपकी क्या राय है? ये तो सत्ता पक्ष का आरोप है, मुख्यमंत्री खुद 2 बार हेलीकॉप्टर लेके आई, फिर भी सबसे ज्यादा नुकसान सांचौर में हुआ, नीचे नहीं उतरी, उनके खर्चा नहीं हुआ। दूसरी तरफ राहुल जी आए थे, लोगों की समस्याएं जानी, और जहाँ तक बन सका उस जिस गांव में उन्होंने कार्यक्रम रखा कम से कम 1,000 पॉकेट राशन के कांग्रेस पार्टी की तरफ से बांटे गए, और उस उनके आने के बाद में गांव में जो पानी भरा था बकायदा सरकार हरकत में आई और पानी निकासी कार्रवाई की, राहत की कार्रवाई की। केवल मात्र ये नहीं कि नेता आता है तो खर्चा ज़्यादा होता, हाँ खर्चा तो होगा, जो आने जाने में काय खर्चा है, तो फालतू खर्चा कर रहे बीजेपी लोग। 2 बार मुख्यमंत्री आए सांचौर में उतरी तक नहीं, एक बार मौसम का बहाना दे दिया, दूसरी बार यहाँ लोग बीजेपी के खुद लोग इंतजार कर रहे थे इस हेलीपैड पर, फिर भी नीचे नहीं उतरी। आगामी चुनाव में आप क्षेत्र के किन मुद्दों पर जोर आजमाइश करेंगे? आगामी चुनाव पर हमने, मेरी सरकार पिछली बार कांग्रेस सरकार थी तो हमने 3 पानी के प्रोजेक्ट चालू किए थे, DR प्रोजेक्ट, FR और ER। तो DR का पानी रानीगढ़ तक था, ER का पानी भीलवाड़ तक जाने का था, सांचौर के गांव की सप्लाई, इन दोनों स्कीमों से ज़्यादा जुड़ी हुई थी। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि तीनों स्कीमें वर्तमान सरकार ने न तो कोई अतिरिक्त पैसा दिया, न कोई दोबारा राशि दी, कष्ट के लिए राशि दी, तो केवल केवल मात्र जो कांग्रेस सरकार ने स्कीमें स्वीकृत की थी वो स्कीमें अभी तक उसी जगह पड़ी है। मेरा पहला प्रयास रहेगा कि तीनों स्कीम को चालू करके और पूरे जिले में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में स्वच्छ और नर्मदा का मीठा पानी मिले। दूसरा मेरा कार्यक्रम रहेगा जो इस बात पर रहेगा कि पिछली सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने सांचौर के लिए कॉलेज स्वीकृत किया था या वहाँ के प्रिंसिपल को लगा दिया था, बाकायदा पोस्टिंग हो गई थी, लड़कों को एडमिशन दिया था, और जैसे सत्ता बदली और तब सरकार ने जानबूझ करके और वित्तीय संसाधनों की कमी का आधार बना करके कॉलेज बंद कर दिया। मेरा दूसरा प्रयास रहेगा कि उस कॉलेज को दोबारा चालू किया जाए। सर राज्य में वे केंद्र में भाजपा का शासन है, क्षेत्र में विकास में बाधा तो आती रहेगी, इन बातों को आप कैसे निपटते हैं? देखो क्योंकि यहाँ कांग्रेस पार्टी मारवाड़ के अंदर 3 सीटें जीती है, एक वार्ड में, एक सांचौर, एक अशोक गहलोत, तो उनका एक ड्यूटी बनती है कि प्रतिपक्ष जब नहीं होगा तो उन्हें कौन रोक टोकेगा, कौन उन्हें सही स्तर पर लेने के ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। तो
बीजेपी के लोगों से उनके सत्ता से मेरा निवेदन है कि बिना पार्टी के पक्षपात से लोगों को काम करना चाहिए। और वैसे आम काम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं, अगर कोई अधिकारी बैठे हैं काम में बाधा पहुंचाते हैं, तो हम तो उस वक्त हमारी गाड़ी में जाते हैं, तैयार है, बैठा करके धरना चालू करते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार को अधिकारियों को काम करना पड़ता है। मेरी तो यही पॉलिसी है कि पहले जाके कहो काम नहीं करें तो धरना लगाओ, काम करना ही पड़ेगा, कोई सत्ता से फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ तक बड़ी स्कीमें हैं, चाहे पानी की स्कीम है, नर्मदा की स्कीम है, ऐसे बड़े बड़े पैकेज दे करके नर्मदा का काम कभी चालू हो जाना चाहिए था, जानबूझ करके चालू नहीं किया जा रहा है। केवल मात्र बड़े ठेकेदारों को दे करके थेट जयपुर तक इनके कमीशन बंधे हुए, इस कमीशन खोरी की वजह से काम नहीं हो रहा है। कोई बड़े काम में जरूर फर्क पड़ता है, परंतु छोटे मोटे काम काज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़े काम में रोकेंगे, विदन डालेंगे, निश्चित रूप से सरकार आने वाले चुनाव में जनता इन्हें देख लेगी। सर, आपको नहीं लगता कि पिछले विधानसभा चुनाव में से अब तक कांग्रेस दो टुकड़ों में नजर आई? नहीं, हमें ऐसा कोई महसूस नहीं हो रहा। दोनों हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े हमारे सम्माननीय हैं, पायलट साहब सम्माननीय हैं। ये तो एक सत्ता पक्ष का, बीजेपी का एक प्रचार है कि कांग्रेस में फूट है, कांग्रेस फूट है। अरे आप में देखो ना, तिवारी मतलब नई पार्टी बना रहा है, पहले वो मीणा खिलाफ, करुड़लाल मीणा खिलाफ हो गया, और बहुत सारे जो विधायक हैं केवल मात्र हमें कहते हैं सुखराम जी बोल नहीं सकते, आप हमारी आवाज़ उठाओ, पूरा मतलब विरोध चल रहा है दोनों सत्ता पक्ष के अंदर। कई मंत्री हैं मतलब जानबूझ के उनके पर खतरे गए हैं। तो कांग्रेस पर एकता है, चाहे ब्लॉक स्तर से लेकर के प्रदेश इकाई पर पूरी कांग्रेस संगठित है और संगठित होकर के चुनाव लड़ेगी और सत्ता कांग्रेस की आई। प्रदेश में इस बार कांग्रेस किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, यानी अशोक गहलोत या सचिन पायलट? देखो ये दो बातें है ही नहीं, हमारे एक ही बात है। हमारे पार्टी अध्यक्ष पायलट है, वो हमारे नेता है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो हमारे नेता है। दोनों के नेतृत्व में मिलकर के पूरे संगठन, जो हमारी कार्यकारिणी, पूरे प्रदेश का जो संगठन है, हमारे जो अग्रिम संगठन है, सभी मिलकर के हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आपके पिछले 4 सालों में विकास की बात करें तो आप जनता के बीच में क्या विकास लेकर जाएंगे? देखो, मैंने पिछले 4 साल में जो भी मेरे कामकाज हुआ, मैंने कामकाज किया है, चाहे ट्यूबवेल का मामला हो, चाहे हमने कैंप लगा कर कनेक्शन देने का मामला हो, अभी जो हमने कांग्रेस सरकार ने जो पिछले ग्रुप 5 के ग्रुप में फाइलें भरी थी, वो बकायदा कनेक्शन देने जा रहे हैं। हमने वो हड़ताल करके राजीव गांधी मिशन स्कीम स्वीकृत कराई, उसके तहत कम से कम 8,000 बिजली कनेक्शन यहाँ पे हुए। खारा में जहाँ खारा पानी है, वहाँ हमने कम से कम 15-20 बोरिंग कराए। इसके अलावा मतलब जो भी छोटे मोटे काम मेरी प्रतिपक्ष के हैसियत से मैंने करने चाहिए थे, बकायदा बखूबी हमने लोगों के बीच में रहकर किए हैं। कोई मेरे जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, आम लोग हैं, मेरे से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरी 24 घंटा हाजिरी लोगों के बीच में रहती है, लोगों के बीच में बैठकर काम करते हैं, सुख दुख में भागीदार बनते हैं। इसलिए बहुत सारे काम मेरे पास हैं जो लोगों के बीच में जाकर कह सकता हूँ और उन्हें मतलब संतुष्ट कर सकता हूँ। सर, सांचौर में स्वीकृत कई वर्षों से सरकारी कॉलेज अभी तक नहीं खुला है, तो आपने इसको लेकर कुछ मैंने कहा कि मेरी सरकार ने, अशोक गहलोत ने खोला था। मैंने विधानसभा के अंदर ध्यानाकर्षण के रूप में, स्थगन के रूप में, और जब एजुकेशन के कट ऑफ मोशन के वक्त मैंने बहुत बार प्रस्ताव उठाया, कई बार मांग उठाई, केवल मात्र सरकार का यही जवाब था वित्तीय संसाधनों की कमी है और पूरी होने पर कर दी जाएगी। केवल मात्र जानबूझ कर नहीं खोले, मुझे पूरा विश्वास है सरकार हमारी बढ़ेगी, निश्चित रूप से कॉलेज हमारा खुलेगा। सर, हमारे मतलब सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि सांचौर विधायक कांग्रेस को वोट नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सुखराम बिश्नोई के नाम पर दिए जाते हैं, ऐसा आपका सर क्या करिश्मा है लोगों? ऐसा कुछ नहीं है, वोट पार्टी के पीछे आते हैं, पार्टी के बेहतर तले हम काम करते हैं। केवल मात्र ये सत्ता पक्ष के लोग बीजेपी के मतलब कुछ मेरे शुभचिंतक है जो पहले बीजेपी में थे, वो चाहते हैं वोट हम आपको दे रहे हैं, उनका खाली मात्र एक हमारे मतलब दोस्ती के हिसाब से गणा, बाकी पार्टी के हिसाब से वोट मिलते हैं, पार्टी के हिसाब से वोट कार्यक्रम चलाते हैं और पार्टी के झंडे के नीचे काम करते हैं। केवल मात्र पार्टी स्वरूप पर ही अगला आदमी कुछ नहीं कर सकता।
सर बाढ़ पीड़ितों के लिए अब तक मुआवजा नहीं मिला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात सही है कि हमने दो दिन पहले धरना दिया था जाड़ और नोटबंदी के खिलाफ में, तभी हमने कलेक्टर साहब से मांग रखी थी कि क्यों नहीं पैसे आए, और बीच में हमारे 3 दिन विधानसभा चलती, वहाँ भी हमने इस बात को मतलब हम तो विधानसभा में गैलरी में थे, वेल में थे, फिर भी हमने ये मांग वहाँ रखी, मंत्रियों से निवेदन किया और कलेक्टर साहब से पहले बार कलेक्टर साहब से मिले। हम हमारा प्रयास कर रहे हैं उस राशि नुकसान की, फसल नुकसान की आई है, बाकी राशि कलेक्टर साहब ने परसों बात की थी कि धीरे धीरे आपके खाते में आ जाएगी। कुल मिलाकर के सरकार को तत्परता दिखानी चाहिए थी, क्योंकि जिस किसान के खेत खराब हो गया, मकान गिर गया, कम से कम उनको तुरंत गुजरात के जिस तरह से गुजरात सरकार ने रिलीफ बांटी तराज में धंधेरा में, इस तरह बांटनी चाहिए थी, परंतु इच्छा शक्ति का अभाव होने से सरकार ये कार्य नहीं कर पाई, इसलिए तमाम लोग सरकार के खिलाफ है, लोगों में आक्रोश है। सर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई नहर अभी तक रिपेयर नहीं हुई, जबकि किसानों के फसल की रितु आ चुकी है, किसान बहुत नाराज है, जनता में भारी आक्रोश है, इस पर आप मतलब क्या? देखो ये जो नहर थी इस बार तो बढ़नी नहीं थी, इस साल तो नहीं बढ़ी, क्योंकि मतलब 7-8 दिन से नहर टूट गई थी, और नेट तो टूट गई थी पिछली बार, 2 साल पहले नेट टूटी थी, फिर मतलब नेट को रिपेयर कर दी, फिर टूट गई। तो हमारा भी सुझाव था नर्मदा प्रशासन को कि इस तरह का कार्यक्रम चलाया जाए, साइपिन रखे जाए जगह जगह 7-8 जगह, उन साइपिनों का सर्वे होगा, सर्वे में समय लगा, फिर टेंडर होगा, टेंडर प्रोसेस चल रहा है, 7-8 में टेंडर हो जाएगा। तो लोगों की भी यही भावना है कि कम से कम अब नहर ऐसी बने कि हमें पुनः खेतों का नुकसान नहीं हो, लोग भी संतुष्ट है, नहर के पानी के बारे में लोगों को आक्रोश नहीं है, बिल्कुल मानसिकता बनी हुई है कि पानी इस सीजन में नहीं आने वाला है, इसलिए केवल मात्र ये तो कहने की बात है, लोग खुद संतुष्ट है। हमने हमारा भी सुझाव है कि व्यवस्थित तरीके से नहर बने ताकि फिर फ्लड आए, फिर नहर नहीं टूटे, लोगों को खेत खराब नहीं है, लोग मतलब लोगों की हानि नहीं। सर अभी नोटबंदी को लेकर सरकार है खुशियाँ मना रही है, कांग्रेस कला दिवस मना रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो खुशी तो मनाने का प्रश्न भी नहीं है, हमने 8 तारीख को अपने जिला मुख्यालय पर हड़ताल की थी, धरना दिया था, काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन किया था, कोई भी भाजपा ही नजर नहीं आया फटाके छोड़ते हुए, कहीं गली में चुपके से अपने घर के आगे छोड़ के फोटो डाल दिया, लोग जूते मार रहे हैं, क्योंकि पहले आर्थिक मंदी आई हुई थी, मुद्रास्फीति थी, ऐसे माहौल के अंदर नोटबंदी कर दी, फिर GST लगा दिया, ऐसे माहौल के अंदर तमाम जो छोटे छोटे कारखाने थे, छोटे छोटे उद्योग थे, पूरे बंद हो गए, जो छोटे छोटे रोजगार लोग कमा रहे थे, चाहे मतलब मकान निर्माण का हो, दूसरे जो कारखाने हो, तमाम के तमाम बंद हो गए, उससे GST आ गई, मजदूरों का आम आदमी का बुरा हाल है, इसलिए केवल मात्र ये मतलब मुंह पे थप्पड़ मार के गाल को राता रख रहे हैं BJP वाले, बाकी हकीकत में खुद ही मन मन रो रहे हैं कि ये गलत निर्णय मोदी का था, नहीं लेना चाहिए था। इस नोटबंदी का असर UP में इसलिए नहीं दिखा कि उन्हें लोगों को आशाएं थी कि अभी तो दिन थोड़े हुए हैं, जरूर कुछ ब्लैक मार्केटिंग पकड़े जाएंगे, काला धन वापस आएगा, कुछ भी नहीं आया, 99% नोट वापस आ गए। आज की तारीख में रिजर्व बैंक ये बताने की हैसियत में नहीं है कि हमारे पास नोट कितने आए हैं, कितने पीसी बचे हैं, केवल मात्र नोटबंदी गलती से लागू कर दी गई, किसी से अर्थशास्त्री को पूछा नहीं, मन ही मन बड़े रो रहे हैं, परंतु लोगों के बीच तो कहना पड़ता है कि हमारा निर्णय सही था, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नोटबंदी का विरोध हुआ है, तमाम जो लोग हैं उसके खिलाफ है, असर गुजरात के चुनाव में उनको दिखेगा। सर विधायक जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि व्यापारी वर्ग GST को लेकर काफी परेशान है, सरकार GST को सफल कदम मान रही है, GST को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो GST तो एक हिसाब से एक टैक्स की स्कीम सही है, परंतु ये कायदे से शुरुआत में इन्होंने नोटबंदी के बाद गलती कर दी, धीरे धीरे GST को लगाना चाहिए था, और जो टैक्स के स्लैब रखे हैं वो 3 स्लैब रखे हैं वो गलत रखे हैं, कम से कम 12-13% ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए, और रिटर्न जो भरने 3 रिटर्न महीने में भरना, ये कोई व्यापारिक बात होती है? एक आदमी छोटे व्यापारी को आपका कंप्यूटर रखना पड़ेगा, एक आदमी रखना पड़ेगा, फिर एक रिटर्न लास्ट में भरो, एक साल में 37 रिटर्न भरना ये व्यापारी को कर सकता है, मान सकता है व्यापारी? बड़े मतलब ये तरीका गलत अपनाया है। कम से कम GST दुनिया के 122 देशों में लागू है, अपने पड़ोसी पाकिस्तान में लागू है, वहाँ तो इतना विरोध नहीं हुआ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि GST लागू करने के बाद में जो व्यापारियों को बैठ करके वार्ता करनी चाहिए थी, आपकी क्या समस्या आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही है, और उसको निस्तारण करके फिर लागू करना चाहिए था। इसमें सजा का प्रावधान रखा वो भी गलत है, 500 गुना पेनल्टी रखी वो भी गलत है। व्यापारी है जो देश को बनाता है, उद्योग देश को बनाता है,
उन लोगों को मतलब तरजीह दे करके उनकी समस्या सुन करके जीएसटी लागू करते तब तो बात ठीक बनती, परंतु लागू नहीं की तब सूरत के अंदर सब जगह पूरे गुजरात के अंदर व्यापारी वर्ग बीजेपी से खफा है, प्रधानमंत्री खुद को सुनना पड़ रहा है। ऐसे हालात में दो दिन पहले अखबार में आया था जीएसटी को सरलीकरण किया जाएगा, सुझाव मांगे जाएंगे। मेरा निवेदन है कि जीएसटी में जो जल्दी की वो गलत है। सर आप युवाओं को और क्षेत्रवासियों को क्या सुझाव देना चाहेंगे आपकी ओर से? युवाओं को तो मेरा ये सुझाव है कि पढ़े, मेहनत करें और एक पॉजिटिव सोच लेकर के अपना जीवन आगे बढ़ाएं, ताकि कुछ पढ़ सके, कुछ कर सके। और नौकरी के पीछे तमाम लोग पड़े हैं, नौकरी है नहीं, ऐसे माहौल के अंदर अपनी पॉजिटिव सोच लेकर के व्यापार की तरफ, उद्योग की तरफ बढ़े, तब फायदा होगा। दूसरा, जो नशे पत्ते की लत लोगों पड़ी है, उन नशे पत्ते को मैं सब जगह विरोध करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ। उस नशे पत्ते से ही लोगों को दूर रहना पड़ेगा, युवा पीढ़ी को। अगर युवा पीढ़ी जिसकी कमजोर होगी, जिस समाज की, जिस देश की, तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अंतिम सवाल है हमारा कि सर आपकी अपनी दिनचर्या और पर्सनलिटी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। मैं सुबह रात को 4 बजे सोता हूँ, 10 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठता हूँ। उठने के बाद में मतलब मैं प्राणायाम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, घूमता हूँ, और सवेरे घूम करके मैं सवेरे जल्दी नीम की कुंपड़े खाता हूँ। फिर मैं गाय का बछड़ा, मेरे सामने बछड़ी है, उसका मैं गौमूत्र पीता हूँ। और फिर मेरे खेत लगा हुआ हरी सब्जी है, मैं हरी सब्जी उबाल करके खाता हूँ। और 7 बजे मैं तैयार हो जाता हूँ, फिर ऑफिस में बैठ के काम करता हूँ। मैं मेरे कपड़े खुद धोता हूँ, और जो मेरे छोटे मोटे काम है नियमित रूप से खुद करता हूँ। और दिन को फील्ड में घूमने के बाद में रात को मैं मेरे अध्ययन करता हूँ, पढ़ता हूँ। मेरे बढ़िया लाइब्रेरी है, बाकी मैं बड़े बड़े जो मतलब मोटिवेटर गुरु है उनको मैं सुनता हूँ, जैसे मान लो जो भी हुए उनको मैं सुनता हूँ, हमारे जो भी बड़े बड़े मतलब दार्शनिक उनकी मैं किताबें पढ़ता हूँ। कुल मिला करके मेरा जो दिनचर्या है मैं व्यवस्थित नियमित चलाता हूँ। बाहर खाना खाने का प्रयास कम करता हूँ, गोवृत्ति हूँ, गाय का दूध घी खाता हूँ और भैंस का दूध घी नहीं खाता हूँ। तो मेरे खाने पीने में जहाँ मैं गाय के जिसके घर गाय हो वहाँ में मेरे खाने की व्यवस्था हो जाती है, खाना खा लेता हूँ। कुल मिला करके लोगों को मैं बाजार की सब्जी है, घर बिना यूरिया की सब्जी पैदा तैयार करो, बिना यूरिया की गेहूँ तैयार करो, बिना यूरिया के मतलब बाजरा तैयार करो, कुल मिला करके सात्विक जो खाना होता है वो खाने खाने में मैं लोगों को प्रेरित करता हूँ। मैं खुद इस तरह की जीवन दिनचर्या व्यतीत करता हूँ कि लोगों को मतलब एक व्यवस्थित संदेश लोगों को जाए कि खान पान सही हो, बच्चे पढ़ाई पर जोर दें। ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद सर।